भाई केंडिकट वज्रेश्वरी में भगवान नरसिंह की साधना होने जा रही है, जिसमें भगवान के 10 स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान नरसिंह के 10 स्वरूपों की साधना मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा जलन विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। भगवान नरसिंह चारों दिशाओं से शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80J के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपका जन्म किसी भी महीने की 18 तारीख को हुआ है? अगर हुआ है तो आपको ये सावधानी रखनी होगी। अंक ज्योतिष की चर्चा करते हैं, नंबरोलॉजी की चर्चा करते हैं, तो सबसे आखिरी मूलांक 9 माना गया है। जाहिर है कि आपका जन्म का जो मूलांक है वो भी 9 है। एक कहते ना कि उत्साह, साहस, डेयरिंग जिसको कहते हैं, उसका ये प्रतीक होता है। और मंगल सेनापति माना जाता है, ग्रह का स्वामी माना जाता है। जाहिर है मंगल के स्वभाव से आपका जो स्वाभाविक जो मन होगा, स्वाभाविक स्वभाव होगा, वो एक कहते ना कि नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है आपके अंदर, अपने नियम को मनवाने की क्षमता मानी जाती है आपको। हम लोग कहते हैं कि ईमानदार, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ईमानदारी भले कम हो थोड़ी सी, लेकिन चालाकी जो इस कलयुग में बहुत जरूरी है वो सबसे अधिक होती है। और यही कारण है कि आप जैसे लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ईमानदार नहीं होते, लेकिन उसकी तुलना में चालाकी आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है और इससे आप अपना काम निकालते चले जाते हैं, ये आपको फायदा होता है। ये स्वभाव की वजह से लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें हैं, ये आपको बहुत ज्यादा दुखी नहीं करती और आप यही कारण से इस तरह के क्षेत्रों में जाते भी हैं। आपका जो प्रोफेशन है इस तरह के क्षेत्रों में होता है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे फौज हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, इस तरह के, या कोई स्पोर्ट्स हो, खेल कूद हो, जहां कंपटीशंस इस तरह की, तो आप हर तरीके का कंपटीशन में का सामना करने के लिए तैयार माने जाते हैं। और जाहिर है जो मंगल है वो तो भूमि पुत्र माना जाता है, जमीन पर अधिकार रहता है, तो जमीन का आकर्षण कहीं ना कहीं आपके मन में बना ही रहता है। तो जमीन से संबंधित क्षेत्र में भी आप अपने प्रोफेशन को आजमा सकते हैं। वो इसलिए कि आपके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं रहती, मंगल वाले हिम्मती माने जाते हैं। आपके लिए जो शुभ दिन माने जाते हैं 9 है, 18 है, 27 है, ये बहुत शुभ दिन माने जाते हैं। और लकी नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 है, 2 है, 5 है, 9 है, 27 है, 72 है, ये आपके लिए शुभ समय है। अगर बहुत वर्षों की चर्चा करते हैं तो 2025, 2036 और 2045, जाहिर है कि 2025 तो नज़दीक आ रहा है, ये सबसे महालकी आपके लिए साल होगा। अगर किसी इष्ट की पूजा करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करें या भगवान हनुमान जी की पूजा करें। रंग की बात करते हैं तो लाल, केसरिया रंग, पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। आप राजनीति में भी जा सकते हैं और इससे आपको कुछ अपने हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। ज्यादातर लोगों का तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको। तो राजनीतिक विषय या इस क्षेत्र के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। वैसे आप अपनी शक्ति का जो उपयोग है, हमेशा
अच्छे कामों के लिए करते हैं और वो एक अच्छी बात है। परिवार में तनाव अड़चने ये सब बने रहेंगे, लेकिन आप उनको सुलझाते रहेंगे, इसलिए वो कोई समस्या की बात नहीं है। और कोई खास कार्य अगर आप कर रहे हैं और उसमें अगर हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाए या माता दुर्गा की कृपा मिल जाए, तो जो बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आप पार कर सकते हो। तो जाहिर है आपका 2022 में कुछ नया कर गुजरने की संभावना बनी है, और जाहिर है आपका सब कुछ अच्छा रहेगा और हम मनाएंगे कि आप 2022 आपका सबसे अच्छा हो। धन्यवाद।